असेंबली इंतखाबात 2024 को लेकर आज पहला मरहला जो है वो इस वक्त जारी है और 5 बजे तक का जो अपडेट है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हां, 5 बजे तक का अपडेट पहले मरहले को लेकर 58.19 यानी कि 58.19 अब तक पोलिंग जो है वो वोटर टर्नओवर रिकॉर्ड किया गया, यानी कि अब तक जो शरह रिकॉर्ड किया गया वो 58.19, जिसमें से अगर हम अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग 54.17, डोडा 69.33, कश्तवाड़ सबसे ज़्यादा, कश्तवाड़ में अब यानी कि 5 बजे तक जो सबसे ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई वो कश्तवाड़ में है 77.23, कुलगाम 59.62, पुलवामा 43.87, रामबन 67.71, शुपिया 53.64। ये कुछ 7 नशस्तें हैं जहां पर सबसे ज़्यादा अब तक टर्नओवर देखने का मिला, यानी कि 50 से प्लस या ऐसे 7 नशस्तें हैं जो 50 प्लस क्रॉस कर चुके। अभी भी 1 घंटा होने को बाकी है और अभी तो ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आंकड़ा कहां तक रुकेगा और क्या ये टर्नओवर जो है ये 70 को भी क्रॉस करेगा या 70 के आसपास ही रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जो पिछले तीन दायों से, जिस तरह सुबह से ही हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि पिछले 3 दायों से अब तक सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो अब तक देखने को मिल रहा है, यानी कि 5 बजे की जो अब तक की अपडेट है वो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। और जो बड़ी सियासी पार्टियां जो है आज उनके कारकुनान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी आज अपना वोट कास्ट किया अपनी अपनी नशस्तों को लेकर। वही मुकाबला जो है, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि मुकाबला जो है वो सीधे सीधे अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसके साथ अलायंस बीजेपी का भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ अलायंस कांग्रेस का भी है। बीजेपी जो अलग से ही इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और इलेक्शन से ही अलग तरीके से ही वो इस वक्त इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आ रही है, अगर जो उसने किसी के साथ अलायंस नहीं किया है लेकिन उन्होंने कहा कि हम लीड ले सकते हैं, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अलायंस जो है वो यानी कि इत्तेहाद जो है वो कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के साथ किया है और पीडीपी का किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले कहा कि हमारे बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकती, हमारी ज़रूरत उन्हें ज़रूर पड़ेगी। अगरचे पीडीपी खासी कमज़ोर दिखाई दे रही है लेकिन जिस तरह से आज इल्तिजा मुफ्ती और वहीद पर्रा खासे पुरअज़म दिखाई दिए अपने अपने हलकों में लेकर, ऐसा ये लगाया जा रहा है जैसे वो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा क्योंकि 8 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया जाएगा, ये रिजल्ट उस मंजरियाम पर आएगा कि कितने सीटें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कौन सी पार्टी लीड करती हुई नज़र आ रही है, ये कहना अभी कबल वक्त होगा। 8 अक्टूबर को इसका सारा ब्यौरा जो है वो पता चलेगा कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। क्या यहाँ पर कांग्रेस का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस मजबूत देखने को मिलेगा या अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी का जो अलायंस है उसमें भी खासा दमखम नज़र आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 58.19 जो अब तक एक रिकॉर्ड माना जा रहा है ये अच्छी शुरुआत है। जी हाँ, 2014 के बाद पहली मर्तबा इस तरह का जो रिकॉर्ड वोटिंग है असेंबली इंतखाबात को लेकर वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमने पुलवामा, कुलगाम, शुपिया की बात की, ये एक ज़माने में मिलिटेंट्स का हब हुआ करता था और सेपरेटिस्ट्स की कॉल, बंद कॉल जो है इन नशस्तों पर ज़्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये तीनों हल्के ऐसे हैं, अगर हम शुपिया, पुलवामा और कुलगाम की बात करें, यहाँ पर 50+ जो है अब तक क्रॉस कर चुका है। अगर क्या पुलवामा यानी कि जो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी का हब हुआ करता था और बुरहान वानी का इलाका माना जाता है, वहाँ अब तक 43.17 यानी कि 5 बजे तक पोलिंग रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि 6 बजे जो क्लोजिंग टाइम है पोलिंग का, अब कहाँ ये आंकड़ा रुकेगा और कितनी परसेंटेज रहेगी, ये अभी एक घंटे के बाद पता चलेगा और कश्मीर पैटर्न आपके साथ ये ज़रूर साझा करेगा। हमारे साथ बने रहिए और अपडेट के लिए देखते रहिए कश्मीर पैटर्न।